मीडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं इंटरनेट पर कुछ साहित्यिक सामग्री तलाश कर रहा था, मुझे एक मशहूर गीतकार की कविता मिली। थोड़ा सा पता किया तो कविता के जो रचयिता हैं, जो उस गीत के रचयिता हैं, उस मशहूर गीतकार का पता भी मुझे मिल गया। मैंने सोचा क्यों ना फेस टू फेस में आपको उस मशहूर गीतकार से रूबरू कराऊं, लेकिन उससे पहले जो वो कविता थी मैं चाहता हूं कि उसको सुनाऊं और उसके बाद मैं आपको गीतकार से रूबरू कराऊं। वो रचना ऐसी है कि साथ समय के चलते चलते आप पहुंचा दिनमान शिखर पर और किया सर्वस्व निछावर, दमक रहा अभिमान निखर कर, ऐसे दानी के आगे तुम क्यों ना अपना शीश झुकाते, जीवन का संगीत सजाते, जीवन का संगीत सजाते। दोस्तों, जीवन का यह संगीत सजाने वाले मशहूर गीतकार हैं अरविंद शर्मा राही। आप अनन्य भारत के प्रधान संपादक और श्रुति संवाद साहित्य कला अकादमी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान रहा है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने आपको पुरस्कृत किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर तमाम पुरस्कार आप अर्जित कर चुके हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं। इस वक्त स्वयं राही जी हमारे साथ सम्मुख मौजूद हैं। सर, फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहले सवाल यही है, आपके नाम में ही राही है और राही का मतलब होता है कि चलने वाला, राहों में चलने वाला। तो आपके साहित्यिक सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और ये जो सफर अब कहाँ तक पहुँचा है? सफ़र तो चल ही रहा है अभी। शुरुआत वर्ष 1982 से मैंने लिखना शुरू किया, पढ़ते थे उस समय, और हमारे एक हिंदी के प्राध्यापक थे मिश्रा जी, बलदेव मिश्र जी, तो उनका कुछ सानिध्य मिला। इस तरह से वो इतने रोचक तरीके से पढ़ाते थे कि कहीं ना कहीं एक अनुराग जो है उस समय जागृत हुआ और फिर ये यात्रा चल पड़ी, प्रोत्साहन मिलता गया, अनवरत रूप से लिखते रहे और वो क्रम आज भी चल रहा है। अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर खंगाला है तो उसमें ऐसा दिखता है कि आप रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, लेकिन आपकी गतिविधियां सबसे ज़्यादा साहित्यिक और सामाजिक दिखती रही हैं, तो ये बैलेंस कैसे आप करते हैं, कैसे ये इसमें सक्रियता इतनी कैसे बढ़ी आपकी? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, आपको जीने के लिए जो है, एक तो आपको पेट भरना है। पेट भरना है, आप भरा पेट रहेगा तो ही आप आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप समझौतावादी हो जाएंगे। उसके लिए व्यापार आवश्यक हो जाता है। लेकिन जीने के लिए ये भी आवश्यक है कि आप इस जीवन का अर्थ समझें। उसको लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी ये मिली है तो इसको किस रूप में जिया जाए, अपना अपना लोगों का तरीका है, हम उसको किस रूप में लेते हैं। आप जीवन में जो भी सपने देखते हैं, उन सपनों के साथ अगर जीवन जीते हैं तो वही सार्थकता है जीवन की। और सिर्फ अगर आप कुछ ऐसे ही सोचें कि हम बस, हमको इस पर्टिकुलर दिशा में, इसी एक क्षेत्र में काम करना है, तो ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही विज्ञान का विद्यार्थी रहा, फिर इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग और साहित्य दोनों एकदम अलग अलग विषय लोगों की नज़र में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मानव मन की व्यथा तो सबके अंदर होती है, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साहित्यकार हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके मन की अनुभूति हमारा मन कहाँ तक समझ पा रहा है। अगर हम आपके मन की बात हम समझ पा रहे हैं, हम अपने मन की बात आपको समझा पा रहे हैं, तो उसको साहित्य में ढालना बहुत आसान चीज़ है। वो एक माध्यम है, कोई चित्रों के माध्यम से प्रकट करता है, कोई किसी अन्य कला के माध्यम से प्रकट करता है, हम लोग उसको गीतों के माध्यम से प्रकट कर देते हैं। आप एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार हैं, मतलब अगर ओवरऑल देखें तो एक समग्र साहित्य जो सेवा होती है वो आपके छवि में झलकती है। कितना बड़ा चैलेंज होता है इस तरह से सभी विधाओं में लिख पाना और सभी विधाओं के लिए गंभीरता से काम कर पाना? चैलेंज सुधीर जी, उसको इस रूप में आप लीजिए कि जैसे आपने कहा, कई आयाम बता दिए, तो उसको एक अंग्रेजी में कहावत है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, तो उसको तो मैं इसी रूप में लेता हूँ। आप कहीं एक अंधी भागदौड़ में अगर फंस गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत बड़े बिल्डर बन जाएं, हो सकता है बहुत बड़े व्यवसायी बन जाएं, हो सकता है आप बहुत बड़े अध्येता बन जाएं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग सेट्स हैं लाइफ के, जीवन के जो अलग अलग रंग हैं, उन सबका अपना आनंद है और उनको सबको जीने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बटना पड़ेगा।
और वो बटने में कहीं ना कहीं आपसे कुछ छूटेगा, कुछ आप पाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा आप जिस आनंद की अनुभूति चाहते हैं, आप अपने होने की जो सार्थकता चाहते हैं, वो आप तभी सिद्ध कर पाएंगे जब आप कई जगह पे कई आयामों में आप जिएंगे। बिल्कुल, हम पत्रकार हैं, कुल मिलाकर के अगर हम पत्रकार की बात करें, हम गीतकार की बात करें, या हम अन्य दायित्वों की बात करें, कि ठीक है आदमी बोलता है बहुत सोशल हैं या कुछ भी है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मानव से जुड़ी हुई हैं, मानव मन की व्यथा से जुड़ी हैं। हम किसी को देख रहे हैं, उसको कुछ आवश्यकता है, मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ, अगर ये भाव हमारे मन में है तो इस भाव के पीछे कोई जरूरी नहीं कि भाव किसी के अंदर नहीं आवे, ये तो सबके अंदर आएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो। और जैसे अभी रियल इस्टेट की बात करें तो मैं फिर वापस उसी बात पर आऊँगा कि पेट भरना है तो रियल इस्टेट हो या कुछ भी हो, व्यापार करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक पंक्तियाँ हैं निशंक जी की कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप अपना पेट भरें। बिल्कुल, वो हमारे यहाँ जो फिल्मों में दिखा दिया गया पत्रकारों को कि एक झोला टांग लिए, एक बैग टांग लिए और एक नीचे जीन्स का पैंट और ऊपर एक कुर्ता खद्दर का और एक झोला, और उसको हमेशा गरीब दिखाया, क्यों भाई? वो भी तो पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी दिन रात परिश्रम कर रहा है, उसको आप गरीब ही क्यों मान के चलते हैं? क्यों आप ये स्वीकार नहीं कर पाते कोई पत्रकार अमीर भी हो सकता है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, क्यों आप ये नहीं मान पाते हैं कि कोई रचनाकार अपनी किताबों की रॉयल्टी के दम पर अपनी गाड़ियाँ मेंटेन कर सकता है? गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ मैंने कहा, इसलिए कि आज प्रेमचंद के ज़माने से हम आगे बढ़ चुके हैं, हम जयशंकर प्रसाद के ऊपर उठ चुके हैं, हम महादेवी से और आगे की यात्रा कर रहे हैं। आज हमारे इसी दौर में कई ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई ऐसे रचनाकार हैं, कई ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जो अपनी रॉयल्टी के दम पर अपना भरपूर तरीके से बहुत अच्छा सा जीवन बिता रहे हैं और गवर्नमेंट को कई कई लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। तो किसी के पेशे से उसकी गुणवत्ता को कमतर नहीं आंकना चाहिए। अक्सर आप एक चीज़ कहते, मैंने आपको सुना है कि जो शहर होते हैं वो कंक्रीट का जंगल होते हैं, और कंक्रीट के जंगल में साहित्य और संवेदनाओं के लिए जगह बहुत कम होती है। आखिर आपका ये नज़रिया क्यों है शहरों के बारे में? देखिए, संतुलन के लिए आवश्यक ये है कि हम उसकी शर्तें पूरी करें। जीवन में हर चीज़ की आवश्यकता है, और जो भी हमारी ज़रूरतें उनकी कीमत हमको देनी पड़ती है। बिल्कुल, चाहे वह कीमत पैसे के रूप में आप दें, चाहे समय के रूप में दें, चाहे स्वास्थ्य के रूप में दें, किसी न किसी, अगर मुझको ज़्यादा मैं जाग करके काम कर रहा हूँ तो उस काम की कीमत मैं अपने सोने के समय के रूप में दे रहा हूँ, तो मैं सोने का समय कम कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा हूँ तो मैं उसकी कीमत अपने आराम के रूप में दे रहा हूँ, मैं अपना आराम जो है वहाँ पर भाग दौड़ के नाम समर्पित कर रहा हूँ। तो इसी तरह से कंक्रीट का जंगल मैं क्यों कहता हूँ कि विकास तो ज़रूरी है, हमको पुल चाहिए, हमको बिल्डिंग चाहिए, हमको बाकी व्यवस्था जितनी भी है प्रगति के साधन वो चाहिए, संसाधन चाहिए, लेकिन उन संसाधन को जब हम ले रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? वहाँ हम चुप हो जाते हैं, वहाँ हम अपने स्वार्थ में मौन धर लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक जगह है दुनिया में अलास्का, नॉर्थ पोल के पास है, उत्तरी ध्रुव के पास है, बहुत कम आबादी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -30 डिग्री टेम्परेचर सामान्य तौर पर रहता है, लेकिन मैं अलास्का का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अलास्का में मानव सभ्यता जो हम आज देख रहे हैं, इसके कई सदियों पहले से वहाँ पर पेड़ कटते आ रहे हैं। अच्छा, उनका मुख्य साधन यही है, पेड़, वृक्षों को काटते हैं, पेड़ काटते हैं, वो लकड़ियों से बेचते हैं, वही उनके जीवन का बहुत बड़ा आधार है। अच्छा, लेकिन इतनी सदियों से पेड़ कटते आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ पेड़ कटता है, दूसरी तरफ वो लगाते जा रहे हैं। अच्छा, और ये साइकिल चल रही है। हम अपने यहाँ हम रोज पहाड़ों को काट रहे हैं, आप आसपास देखेंगे, आज 25 साल 30 साल पहले जो मित्र हमारे यहाँ आए हैं नवी मुंबई की, अगर मैं बात करूँ तो वो अपनी आंखों से उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा कि आसपास कितने पहाड़ थे जो आज गायब हो चुके हैं, वो पहाड़ हमारे अंदर समा गए हैं। तो हमने जो उन पहाड़ों को काट करके कंक्रीट का जंगल तो खड़ा कर दिया, लेकिन इसकी कीमत हमने अदा नहीं की, और जब तक इसकी कीमत नहीं अदा करेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं डर के साए में हैं, किसी न किसी दिन इसकी कीमत हमको देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि सिर्फ शहर का विकास ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ उस शहर की सभ्यता भी जिंदा रहनी चाहिए, उसकी संस्कृति भी जिंदा रहनी चाहिए, और साहित्य भी उसके साथ साथ जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि वो भी वो इम्पोर्टेंट पहलू है, वो इम्पोर्टेंट आधार है जिससे ये समाज विकसित कहलाएगा।
राय जी, आपने एक किताब लिखी है दृष्टि और सृष्टि, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी ने उसके लिए आपको संत नामदेव पुरस्कार से भी सम्मानित किया, इसके अलावा भी आपको कई पुरस्कार मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये दृष्टि और सृष्टि लिखने का विचार कैसे आया आपको, और ऐसे कितने पुरस्कार हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं जो आपको अपने आपकी कृतियों के लिए दिए गए? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है सुधीर जी, कि पुरस्कार तो बहुत अलग अलग संस्थाओं ने बहुत से पुरस्कार दिए, गिनती तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लगभग लगभग देश के काफ़ी कोई ऐसा शहर नहीं है महत्वपूर्ण जहाँ पर पुरस्कृत न किया गया हो। तो पुरस्कार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारे कर्तव्य के प्रति हमें सचेत करते सचेत हैं। यस, 2016 में भी हमको अभियान संस्था एक है उसकी ओर से पुरस्कृत किया गया, संत नामदेव पुरस्कार मिला ही, ये अपना आपको साहित्यश्री माननीय उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उनके हाथों मिला था, और हिंदुस्तानी प्रचार सभा वहाँ से भी सम्मान मिला। कई एक संस्थाएँ हैं, अच्छी अच्छी संस्थाएँ हैं, सम्मान मिलता गया और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली उनसे। और आपका मैं प्रश्न भूल रहा हूँ, आपने कुछ एक और मैंने ये पूछा था कि जो दृष्टि और सृष्टि आपने पुस्तक लिखी वो बहुत ही पर्यावरण और प्रदूषण के साथ बहुत गंभीर विषय था। सुधीर जी, उसमें पर्यावरण की बात हमने इस तरह से लिखी कि दो चीजें हैं, एक मनुष्य का मन, हमारी प्रकृति, हमारी जो अपनी स्वतः अंतः चेतना है, और एक ये ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति। और आप किसी भी चीज के मूल तत्व में जाएंगे, परम तत्व की खोज करेंगे, या जैसे अभी हम बोलते हैं कि अभी जो प्रयोग एक हुआ बोसान कण जिसमें खोजा गॉड पार्टिकल, उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में गॉड पार्टिकल ढूंढेंगे तो वो हमको प्रकृति में मिलेगा, चाहे वो हमारी खुद की प्रकृति हो, चाहे ये बनाई हुई ईश्वर की प्रकृति। और इस पे इसका ही विवेचन किया हम, उदाहरण के तौर पर कोई भी चीज ले लें, भाई ये कैसा है, तो उसका उदाहरण आप कहीं ना कहीं प्रकृति में देंगे और अंत में आप विलीन हो जाएंगे इस प्रकृति में। कहीं भी सच अगर आपको कुछ नजर आएगा तो इस प्रकृति में नजर आएगा, और कहीं भी कुछ अच्छा नजर आएगा तो इस प्रकृति में नजर आएगा। जो कुछ मिल रहा है इससे मिल रहा है, जो कुछ भी मिलेगा इससे मिलेगा, इसलिए इसको बचाना आवश्यक है। ये मन के भाव थे और यही सोचते सोचते लिख उठा। कुछ अगर पंक्तियां अगर आपको याद हो दृष्टि और सृष्टि से, चंद पंक्तियां तो अगर प्रयास करता हूँ, है काफी बड़ी, उसमें बहुत कुछ है, मैं बीच बीच से सुनाता हूँ कि हम हमेशा रोते रहते हैं, उपदेश तो बहुत देते हैं लेकिन कुछ चीजें अगर हम स्वीकार कर लें तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल, उसमें जैसे हमने कहा कि क्या नहीं है हमारे पास, और विशेष करके अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूँ तो यहाँ तो हमारे पास 6 ऋतुएं हैं, शायद ही विश्व का कोई देश हो जिसके पास 6 ऋतुएं हैं, जिसके पास समुद्र भी हो, जिसके पास नदियाँ भी हो, जिसके पास पठार भी हो, जिसके पास मैदान भी हो, घाटियाँ भी हो, पर्वत भी हो, सब कुछ है, सारे अवयव हैं धरती के। तो उस पर मैंने लिखा कि नभका तारांगण अपना है, धरती का कण कण अपना है, जीवन सरिता निर्बाध बहे, जीवन का हर क्षण अपना है, वसुधा पर फैले कण कण का जब नमन और वंदन होगा, जब ललित ललाम नील नभ का जन जन से अभिनंदन होगा, तब प्रकृति मृदुल मधुभास लिए अपनी बाहें फैलाएगी, सुख शांति समृद्धि सफलता से सबका जीवन सरसाएगी, सबका जीवन सरसाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। राय जी, एक दौर था जब आप मुंबई और जो खासकर पूरे देश की मैं बात करूँ तो साहित्यकारों को, खासकर कवियों को बहुत ही महत्व दिया जाता था, बड़े बड़े कवि सम्मेलन और मुशायरे हुआ करते थे, लोग रात रात भर बैठ कर देखा और सुना करते थे। आज वो दौर बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। एक वरिष्ठ साहित्यकार के तौर पर, साहित्यकर्मी के तौर पर, लेखक के तौर पर, आप क्या, किस तरह का ऑब्जर्वेशन आप इसे देखते हैं, किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो दौर है, चलता रहता है, सच्चाई और अच्छाई न कभी मिटी है न मिटेगी, ये चलती रहने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं विसंगतियाँ आ जाती हैं, इस तरह के दौर आ जाते हैं कि जब बहुत सी विकृतियाँ आ जाती हैं, तो ये हम लोग भी प्रगति की दौड़ में जब चलना शुरू किए तो उसके साथ ही विकृति आने लगी। एक बहुत साहित्य का बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था मंच, जहाँ वाचिक परंपरा के माध्यम से साहित्य गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुँचता था। बिल्कुल। अब हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि देखिए, एक समय था कि जैसा आपने कहा सुधीर जी, कि रात रात भर कवि सम्मेलन चलते थे, लोग बैठ के देखते थे, और उस समय जो उसके श्रोता होते थे, वो श्रोता अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता देखिए, योग्यता अलग चीज होगी, शैक्षणिक उनकी डिग्री देखिए आप,
तो कोई हाई स्कूल पास है, कोई दसवीं सातवीं पास है, कोई चौथी पास है, लेकिन उनकी समझ आज के जो प्रकांड पंडित हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती थी। तब वो बड़े बड़े विद्वानों को, राम नरेश त्रिपाठी जैसे लोगों को, वो महादेवी जी जैसे लोगों को साई साई रात बैठकर सुनते थे। वो उनकी एक एक बात में कहीं भूषण आ जाते थे तो कहीं केशव आ जाते थे, कहीं रहीम आते थे, कहीं रसखान आते थे। उनकी ये सोच थी, उनकी ये समझ थी। हमने आज के दौर में आते आते हमको क्या लगा कि नहीं नहीं आज का श्रोता जो है इसको कुछ मालूम नहीं है, ये कठिन चीज़ें समझ नहीं पाएगा। हकीकत ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम सामने वाले की मेधा ही नहीं जान पा रहे कि उसकी मेधा है कितनी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमने ये मान लिया कि उसको समझ नहीं आएगा, उसको तो हल्की फुल्की चीजें दो, उसको चुटकुले सुनो। तो हम चुटकुलाबाजी लेकर के आए मंचों पे, मंचों को बिगाड़ा हमने है। लेकिन वो वर्ग, एक वर्ग जो साई साई रात बैठ करके देखता था, सुनता था कवि सम्मेलन, वो वर्ग कहीं गया नहीं, आज भी है, आज भी वो तलाश कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं इसी अपने शहर का, नवी मुंबई का। यहाँ पर एक स्थान है पावना, पावना गाँव है। तो वहाँ पे मेरे कुछ मित्र जो है कई वर्षों से दुर्गा पूजा की स्थापना करते हैं, वहाँ कार्यक्रम करते हैं। मैंने एक बार अपने उन मित्रों को सलाह दी कि भाई आप यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम होता है, कवि सम्मेलन करवाइए। तो उन्होंने कहा भाई हमने कभी कराया नहीं, हमको नहीं मालूम है। चर्चा हुई, मैंने कहा नहीं आप करिए, हम सहयोग करेंगे। अच्छा, मैंने कहा तो दिया, बाद में मैं भी थोड़ा सशंकित था कि ये अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, साउथ इंडियंस भी हैं, उत्तर भारतीय हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं और सर्वहारा समाज है, समाज है, यस, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई अधिकारी वर्ग हो या बहुत एकदम से मजदूर वर्ग हो, ऐसा नहीं, सब मिला जुला समाज है। मैंने कहा ये समझेंगे भी कि नहीं समझेंगे कविता, मैं भी उसी भ्रांति में था। और मित्रों मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, कवि सम्मेलन हुआ और इतना पसंद किया गया कि आज लगभग 12-13 वर्ष हो गए लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और कार्यक्रम तो कई जगह हो रहे हैं, लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस मंच से डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सुने गए, उस मंच से जगदीश सोलंकी सुने गए, उस मंच से घनश्याम अग्रवाल सुने गए, उस मंच से अशोक चक्रधर सुने गए, जिस मंच के बारे में हम ये संकेत थे कि वहाँ चुटकुला छोड़ के कोई कुछ समझेगा नहीं। तो जरूरत हमारी है, पहल हम करें, मंचों को बिगाड़ा हमने है, हम कवियों ने बिगाड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि वाचिक परंपरा पुनः स्थापित हो, अच्छे साहित्य, अच्छे संस्कार लोगों तक पहुँचे, तो हमको उसको सुधारना पड़ेगा। ये हमारी गलती है, अपनी गलती हर इंसान को स्वयं सुधारनी चाहिए। आपने एक खुद ही जिक्र कर दिया, मेरा प्रश्न उसी दिशा में आने वाला था। आपने स्वयं कहा कि आजकल जो गंभीर जो साहित्य था, जो जिसको लोग समझते थे, हमने उनको उससे वंचित कर दिया और हम चुटकुलेबाजी में आ गए। आज अगर आप टीवी चैनलों पर देखेंगे तो बड़े बड़े साहित्यिक कार्यक्रम होते भी हैं, लेकिन वहाँ पर मोस्टली चुटकुलेबाजी होती है, चुटकुले कमा क्षमा पूर्वक आपको थोड़ा सुधारना चाहूंगा कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते साहित्यिक नहीं। अच्छा, साहित्यिक कार्यक्रम मैं मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, वो साहित्यिक कार्यक्रम है ही नहीं, कार्यक्रम होते हैं, लोग चुटकुलेबाजी करते हैं और लाखों रुपए कमा के लेके जाते हैं। आप भी एक साहित्यकार हैं, आपको आपको लगता है कि इससे रियल में जो साहित्य है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है? नहीं, साहित्य तो साधना है और साधना करने वाले कर रहे हैं, अच्छे साहित्य रचे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। नुकसान व्यावसायिक रूप से हुआ है कि जो सच्चे लोग हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हकीकत तो ये होना ये चाहिए था कि अगर सही लोगों तक लाभ पहुँचता तो आज हो सकता कुछ और अच्छे लोग आते, बिल्कुल, कुछ और लंबी यात्राएं की होते। कितने ऐसी प्रतिभाएं, कितनी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो बीच रास्ते में अपना इसको इसका साथ छोड़ के अलग हट गए, रोजी रोटी के उसमें। मैंने पहले शुरू में जिक्र किया कि रोजी रोटी सबसे आवश्यक है और ये सामर्थ्य हम पैदा नहीं कर पाए कि साहित्य के माध्यम से हम रोजी रोटी चला सकें। और ये हर युग में रहा है। प्रसाद के पास इतना पैसा था, उसके बावजूद वो भी बेचारे अंत तक आते आते साहित्य के चक्कर में वो भी काफ़ी नुकसान में गए। तो कहीं ना कहीं समाज का भी ये दायित्व है, हम लिख किसके लिए रहे हैं? समाज के लिए। अगर हम लिख रहे हैं समाज के लिए तो समाज को समझेगा और समाज समझेगा तो हमारे से बहुत से लोग आगे आएंगे, अन्यथा हम समाज को हंसा रहे हैं चुटकुला सुना के और समाज हंस रहा है हमारे चुटकुले सुन करके, चुटकुलों के ऊपर और हमारे ऊपर। आप श्रुति संवाद साहित्य कला अकादमी के संस्थापक हैं, संचालक हैं। आपने एक उद्देश्य लेके कि साहित्य को और साहित्यकर्मी जो हैं, रचनाधर्मिता जो है उसको आप प्रोत्साहन देने के लिए आप काम करेंगे। आप लंबे समय से ये इस प्रक्रिया को, इस गतिविधियों को, साहित्यिक गतिविधियों को आप चला रहे हैं। तमाम देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को आपने इस नगरी तक बुलाया इसी मंच के जरिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना कठिन है एक साहित्यिक संस्था चलाना और साहित्य और रचनाधर्मिता को प्रोत्साहन देते रहना अपने दम पर,
कितना चुनौती भरा काम है और किस तरह से सरकार और जो समाज है उसका किस तरह से सहयोग मिलता है। सुधीर जी, आपने एकदम दुखती जग पे हाथ रख दिया। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि हम सिर्फ जो है नारों में ये बातें करते हैं, किताबों में बोलेंगे, अखबारों में लिख देंगे, लेकिन साहित्य को प्रश्रय नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। कुछ एक पुरस्कार घोषित कर दिए गए, कुछ एक लोगों को दे दिए गए, कुछ कुनवे बना दिए गए, लेकिन जो मूल रूप से जो कार्यक्रम चलने चाहिए, आज एक कार्यक्रम आप एक गोष्ठी करना चाहें, मैं अगर मुंबई के संदर्भ में बात करूं, यहाँ पर 1 BHK वन रूम किचन में अधिकांश लोग रहते हैं, कुछ लोग 2 BHK में रहते हैं, तो कहने का मतलब छोटे छोटे घरों में रहते हैं, अगर वो एक कार्यक्रम करना चाहें, गोष्ठी करना चाहें, तो अपने घरों में तो संभव नहीं कि वो कर ले। उसके लिए उनको कहीं कहीं एक छोटा सा हॉल सभागार चाहिए, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा, कम से कम 25-30 लोग बैठ सकें। ऐसी जगह भी शहर में लोगों को साहित्य के नाम पर नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही। बाकी ठीक है, लोगों को मिल जाती होगी अन्य तमाशाओं के लिए, तमाशे के लिए मिल जाती जगह, लेकिन साहित्य के नाम पर आप हॉल लेने जाइए तो हॉल नहीं मिलेगा आपको। साहित्य के नाम पर आपको, अच्छा, साहित्यकार खुददार आदमी होता है, वो चंदा तो नहीं इकट्ठा करेगा। बिल्कुल। वो चंदा भी मांगेगा तो मैं आपसे मांगूंगा, आप मुझसे मांगेंगे, आपकी भी स्थिति वही, हमारी भी स्थिति वही, आपस में मिलजुल करके किसी भी तरह से कार्यक्रम किया जाता है। लाखों रुपए एक साहित्यकार कहाँ से लाए? बिल्कुल। और इसके लिए कहीं कोई सरकार को चाहिए कम से कम कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई हम टिकट नहीं लगा रहे हैं, हम किसी एक रचना, कोई रचनाकार हमारे शहर में आ रहा है, बाहर से आ रहा है, हम वो हमारे लिए थाती एक धरोहर है। इस शहर में नीरज जी आते थे, इस शहर में सोम ठाकुर जी आए, महेश्वर तिवारी आए, बुद्धनाथ मिश्रा आए, कुंवर बेचैन आए, बालक बैरागी, तमाम ऐसे लोगों को मैं लेके आया यहाँ पर, लेकिन मुझको उन सब कार्यक्रमों के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ा। बिल्कुल। और वो पैसा हम अपने मित्रों के माध्यम से, हम लोगों ने आपस में कोई चंदा नहीं किया, आपस में कलेक्शन किया। क्या ये सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि हमको इसके लिए सहयोग करें? यहाँ कॉरपोरेशन के बड़े बड़े हॉल बने हैं, उसमें नाटक होता है, उसमें राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, क्या वो साहित्यकारों को 365 दिन में से 5 दिन नहीं मिल सकता है कि भाई 5 दिन के लिए रिजर्वेशन है, ये 5 दिन सिर्फ साहित्यिक कार्यक्रम होंगे, यहाँ पे हम किसी साहित्यकार को बुला के सुनेंगे, किसी का सम्मान करेंगे, किसी को कुछ मान सम्मान देंगे और किसी से कुछ लेंगे? तो ये होना चाहिए, ये पीड़ा होती है, मतलब चुनौती भरा है साहित्यिक गतिविधि चलाना, बहुत बहुत बड़ा चुनौती का काम है। राय, एक बहुत गंभीर सवाल आपके सामने भी रहा होगा जो हम महसूस करते हैं कि राजभाषा को लेकर आज भी द्वंद है, आज भी संघर्ष चल रहा है, आज भी बहुत सारी उसके खिलाफ नकारात्मक एक तरह से प्रचार चल रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया जब से आया है तब से हिंदी भाषा का उसमें अधिकाधिक उपयोग होने लगा है, लेकिन जिसकी ये जिम्मेदारी है भाषा को, राजभाषा को, खासकर हिंदी को प्रोत्साहन देने की, वो राजभाषा हिंदी विभाग इसको लेकर हमेशा उदासीन दिखता है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की जागरूकता या सोशल मीडिया की सक्रियता और राजभाषा की प्रगति के लिए जो जिम्मेदार संस्थान है उसकी उदासीनता से जो एक्चुअल मौलिक भाषा है, जो इस देश की भाषा बनाने के प्रयास चल रहे थे, वो और विकृत और दूषित होती जा रही है, क्योंकि वहाँ कोई नियंत्रण नहीं है, अपने मन की भाषा का इस्तेमाल है, अपने तरफ की भाषा शैली का उपयोग होता है, तो आपसे नहीं लगता कि राजभाषा और विकृत होती जा रही है जबकि और इसको परिष्कृत होने की जरूरत थी? देखिए, राजभाषा कोई भी भाषा हो, राजभाषा है, हमारे हिंदी को हमने संपर्क भाषा बनाया और 22 भाषाएं हैं राजभाषा की हम बात करते हैं। हाँ। लेकिन विकृति तो हम जो जिन लोगों ने राजभाषा का दर्जा दिया वो विकृत थोपना चाहते हैं जान बच्चे। अच्छा, अभी ये एक अच्छी पहल हुई है, ये नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला आया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वापस वही सब चीज़ें आ गई हैं। अच्छा। कि अंग्रेजी की अनिवार्यता और इस तरह करके भाषा के नाम पे कहीं कोई विद्वेष है ही नहीं, जितना विद्वेष दिख रहा है ये सब जबरन पैदा किया हुआ है। अच्छा। आज टेलीविज़न एक माध्यम है, टेलीविज़न पे अधिकांश काम जो हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है। वो इसलिए नहीं हिंदी में हो रहा है कि हिंदी से सब बहुत प्यार कर रहे हैं, वो इसलिए हिंदी में हो रहा है कि हिंदी की रीच ज्यादा है, पहुंच ज्यादा है, बहुत सही कहा, वो उनकी मजबूरी है। तो इस तरह से अगर कोई भी भाषा हो, हमारी भारतीय भाषाएं हैं, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं करूंगा, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, जो भी भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में अगर हम काम करने की आदत डाल लें, हम उनसे रोजी रोटी का जरिया खोज लें, तो सभी भाषाओं का विकास होगा। बिल्कुल। यहाँ मुंबई में तो पूरा एक इसको आप छोटा हिंदुस्तान कह सकते हैं, हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं, हर भाषा ही यहाँ रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको
तमिलनाडु का आदमी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हुए दिखेगा, यहाँ पर बंगाल का आदमी जो है बहुत अच्छी मराठी बोलते हुए दिखेगा, यहाँ कोई भाषा का विद्वेष नहीं नजर आता है, तो बाकी जगह क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ उनको मालूम है कि यहाँ हम अगर अच्छी हिंदी बोलेंगे तो हमारा संबंध, हमारा संपर्क एक बहुत विशाल दायरे में बढ़ जाएगा और इससे हमको रोजी रोटी मिलने की संभावना बनेगी। इसी जगह पर जब हम तमिलनाडु चले जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी का ही विरोध है। वही तमिलनाडु के भाई बहन हमारे यहाँ आके बोल रहे हैं, वहाँ हिंदी का विरोध है। भाई उनसे पूछिए कि इससे तुमको मिल क्या रहा है, हासिल क्या हो रहा है? खूब विरोध करिए आप, हमको अच्छा लगेगा। अगर उससे आपको कुछ हासिल हो रहा है तो आप दिन रात करिए। यहाँ पर भी ये जितने हमारे राजनेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये कहीं ना कहीं भाषा के नाम पे विद्वेष फैलाने का काम शुरू करते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के पहले से शुरू था, अभी हो रहा है और आगे भी होगा। और इसका एक ही उपाय है कि हम इससे अपने आप को विलग कर लें, हम अलग कर लें, हम हर भाषा का सम्मान करें, अपनी भारतीय भाषाओं का, क्योंकि हम भाषा के स्तर पर जुड़े हैं, हम संस्कृत के स्तर पर जुड़े हैं, हम खान पान के स्तर पर जुड़े हैं, हम संस्कृतियों के अलग अलग संस्कृतियों में क्या क्या उसमें मूल तत्व हैं उनके स्तर पर जुड़े हैं। तो हमारा जुड़ाव इतना हल्का नहीं है कि एक भाषा के नाम पर टूट जाएगा। हम जुड़े रहेंगे, खाली इन राजनेताओं को एक बार आईना दिखा दीजिए और हर भाषा का सम्मान करिए, देखिए कैसे हिंदी जन जन की भाषा बन जाती है। आप बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और कुंडलियां भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ज़रूर सुनाएं जो आपको याद है इस वक्त। मैं अभी जब से महामारी आई कोरोना, कोरोना महामारी के साथ में बहुत सी विसंगतियां भी आईं और दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार डर का है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है डर का। तो इस महामारी के नाम पर कहीं ना कहीं डर का व्यापार भी चल रहा है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन सावधान रहने का मतलब ये नहीं कि आप इतना डर जाएं कि आपके मन में ये बात घर कर जाए कि आगे जीवन ही नहीं है, और अवसाद में आप आ जाएं, आप डिप्रेशन में आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। महामारी है, आ जाई है, कल चली जाएगी, हम फिर विजय हासिल करेंगे, हम फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि अक्सर टेलीविज़न पर देखा, बहुत से नौजवान जिनके सामने पूरा जीवन पड़ा था, वो उन्होंने हिम्मत हार दी, हिम्मत हार गए, जीवन का नाश कर बैठे, गलत कदम उठा लिया। और बहुत से लोग इलाज करवा रहे हैं डिप्रेशन का, अवसाद का, नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर पूरा पूरे समाज की नज़र है, आपको दुनिया देख रही है, आपसे उम्मीद कर रही है कि आप इस समाज को संभल देंगे, आप खुद कमजोर पड़ेंगे तो कैसे होगा। तो इसको संभालने की जरूरत है। और ये एक झंझावात है, एक झोंका है, ये झोंका कभी अस्थाई नहीं होता, आया और चला जाएगा, चला इसको इसी रूप में लेना चाहिए। इसी विसंगतियों पे एक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, नवगीत है मेरा, कि एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, वाह क्या बात, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, जल रहे ये दीप तम के बन रहे हैं क्यों निवाले, जल रहे ये दीप तम के बन रहे हैं क्यों निवाले, रिंदों की बस्ती में आकर ढूंढते हैं क्यों शिवाले, क्यों हृदय के भाव को, हाँ क्यों हृदय के भाव को विश्वास छलते जा रहे हैं, और दृग के स्वप्न असुवन के हुए हैं क्यों हवाले, भोर पर फिर है वज्राघात कोई पात टूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा। तो विसंगतियाँ किस कदर बढ़ गई हैं कि देखिए समय कितना परिवर्तनशील हो गया है, कि हम क्या क्या खो रहे हैं। yes. कि अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, जिंदगी की चाह में 100 बार नित मरते हैं छोरे, हो गई गायब हंसी, हाँ हो गई गायब हंसी, अधरों से अब इस दौर में विषमता की अग्नि में इच्छा हवन करते हैं छोरे, देखे इनको विष भरी सौगात कोई गात लूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
राय जी, अभी आपसे मेरा फायर रैपिड फायर राउंड है मेरा। ये चार पांच सवाल होते हैं जिसमें आपके निजी आपके सवाल हैं और आपको उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। भाई घर परिवार वाला आदमी, ध्यान रखना। रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है कि आपको गुस्सा कब आता है? बहुत कठिन सवाल है ये। गुस्सा जब स्थितियां अपने अनुकूल नहीं रहती हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, और जब आप कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो तय बात है गुस्सा आएगा इस व्यवस्था को देख करके। आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? खुशी जब हम जो कुछ कर रहे हैं उसको लोग सराहते हैं तो लगता है कि हमारे कुछ होने का अर्थ है, उस समय खुशी होती है। आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? खाना क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो मिठाई लगती है, लेकिन डायबिटिक हूँ, खा नहीं पाता हूँ, लेकिन मिठाई बहुत पसंद है। आपका डेस्टिनेशन, जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है, कहाँ आप जाना पसंद करते हैं? मैं गांव में जाना पसंद करूँगा, और भारत का कोई भी गांव हो, गांव में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलते हैं। शहरों में कोई भी शहर हो, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, कोई भी शहर हो, शहरों के लोग लगभग कमोवेश एक जैसे हो गए हैं, उनकी सोच एक जैसी हो गई। लेकिन गांव में आज भी भारत बसता है, आज भी आपको वो भोलापन, वो सरलता, वो अच्छाई, वो लोक संस्कृति मिलेगी। तो मुझको जब भी समय मिलता है मैं गाँव में लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हूँ। आपके लिए साहित्य सेवा कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या, बस हम तो तुलसी बाबा के उस पर कदमों पर चल रहे हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी, तो स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं। अगर कभी किसी के मन की बात लिख उठती है और उसको समझ में आ जाती है, अच्छा लगता है, तो लगता है कि हाँ, हमारा लिखने में सार्थकता है, लिखना सार्थक है। परिवार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बिना परिवार के मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। मेरी अब तक की जो भी यात्रा है ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाई कि मुझको एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा, प्यार करने वाला परिवार मिला है, और मेरा बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार में मेरे पत्नी और बच्चों और माँ बाप के अलावा बाकी मेरे मित्रों का भी समावेश है, रिश्तेदारों का समावेश है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली आपको अपने आप को समझता हूँ कि मुझको इतने अच्छे लोग मिले कि जिन्होंने हर कदम मेरा साथ दिया और मुझको आगे बढ़ाया। अगर आपको, आपके सामने सम्मुख साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाए, तो अरविंद राही जी अपने लिए क्या मांगेंगे? फिर यही जन्म मिले। अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप एक काम क्या करेंगे? एक दिन का मुख्यमंत्री तो सिर्फ फिल्मी बातें हैं। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि विकृत ना तो एक दिन में आई है ना एक दिन में जाएगी। तब भी आपके प्रश्न का जवाब तो देना है। मैं प्रयास करूंगा कि एक अच्छी सोच पैदा कर सकूं कि एक मुख्यमंत्री कर क्या सकता है, ये लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। बता ही पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा एक दिन में। राही जी, आखिरी मेरे दो सवाल बचे हैं। पहला उस आखिरी दो सवाल का पहला जो सवाल ये है कि श्रुति संवाद साहित्य कला अकादमी के जरिए आपने बहुत अच्छा संकल्प लिया है कि हर साल कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलेंगी, साहित्यिक गतिविधियाँ चलेंगी। 26/11/2008 के बाद से आपने एक नया संकल्प लिया था, जब इस संस्था के संस्थापकों में से एक, जब राजीव सारस्वत आतंकियों से आतंकी हमले में जब शहीद हो गए थे, तो आपका एक अभियान आपने प्रारंभ किया था, शब्द युद्ध आतंक के विरुद्ध, निरंतरता में आपने उसको बनाए रखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्रुति संवाद साहित्य कला अकादमी आगे किस तरह की प्लानिंग में है, क्या आगे की रणनीति है, किस तरह से साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने का आपका प्रयास होगा? राजीव सारस्वत सम्मान हम दे रहे हैं। उस समय जैसा आपने जिक्र किया कि जब राजीव जी की शहादत हुई, आतंकियों ने उनकी हत्या की, तो उस समय हम लिखने पढ़ने वाले वो थे, राजीव जी हमारे मित्र थे, संस्था के संस्थापकों में से थे, और जितने पत्रकार, गीतकार, लेखक, जितने भी लोग हैं, हम सबका हथियार है कलम। आक्रोश हमारे अंदर भी था, सबके अंदर था, वो आक्रोश कहाँ व्यक्त हो, हम सीमा पर जाकर के गोली नहीं चला सकते, वो हमारा काम नहीं, वो हमारे भाई जो सैनिक हैं वहाँ पर वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, हम क्या करें। तो हमने उस समय ये अभियान शुरू किया, शब्द युद्ध आतंक के विरुद्ध। हमारा युद्ध शब्दों के माध्यम से है और आतंक के खिलाफ है। आतंक के खिलाफ एक ही चीज़ काम कर सकती है, प्रेम। इस दुनिया में प्रेम फैले, समाज प्रेम से एक दूसरे को चाहे, जाने, समझे, किसी के अधिकार कहीं से बाधित ना हो, तो ही प्रेम पल्लवित पुष्पित होगा। तो जो प्रेम को बिखेरने का काम कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर के ये शब्द युद्ध
आतंक के विरुद्ध चल रहा है और अनवरत रूप से चल रहा है। आगे भी हमको ये पूरा विश्वास है कि हम नहीं तो हमारे बाद वाली पीढ़ी भी इसको आगे बढ़ाएगी और ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस धरती से समूल नाश नहीं हो जाता है आतंकवाद का। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे आप नए रचनाकारों के लिए, साहित्य क्षेत्र में जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए, नए पत्रकारों के लिए, किस तरह का संदेश आपका रहेगा? देखिए, जहाँ पर एक हरिवंश राय बच्चन ने मसाला में एक पंक्ति लिखी है कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, जो पीड़ा में आनंद है, जहाँ पर विध्वंस है वहीं से सृजन होता है। आप उसको इस रूप में देखिए कि आप सब ने देखा होगा कि पेड़ कट जाता है, पेड़ कट के डाल से जड़ से अलग हो जाता है और उसी कटे हुए पेड़ से नई कोपलें निकलती हैं। तो आज हम जब टेलीविज़न देख रहे हैं, पत्रकारिता में जो इसका ह्रास देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, साहित्य में जैसे मंच से हमने बात की, एक मंच पे चुटकुलेबाजी चल रही है, साहित्य में लोग लिख कम रहे हैं, पढ़ तो एकदम नहीं रहे हैं और किताब पर किताब छपवाए जा रहे हैं, बहुत बड़े साहित्यकार बन रहे हैं, तो उन सब परिस्थितियों के बीच से ही कुछ अच्छाई भी जन्म लेगी। और वो अच्छाई कहाँ से आएगी? हम तो अपना जो अच्छा बुरा था आगे बढ़ चुके हैं उसको लेते हुए, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इनसे ही उम्मीद है कि ये जो गंदगी हमने कर रखी है ये गंदगी हमारी आने वाली पीढ़ी साफ करे। यही इनके सामने चुनौती भी है, यही इनका धर्म भी है और यही इनके लिए चैलेंज भी है। राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत मैंने कुछ आपसे ऐसे भी कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे जिसका आपने बहुत साफगोई से जवाब दिया। कवि श्याम नंदन किशोर लिखते हैं कि अगर जाना है तुमको पार, बहुत है तिनके का आधार, चली जो हल्की मलय की झोंक, तुम्हारी डोली डगमग नाव। वाह, अभी तो कहता है आकाश प्रलय की रातें बाकी हैं, बहुत सी बातें बाकी हैं, बहुत सी बातें बाकी हैं। सचमुच राही जी से जितना भी हम बात करें कम लगता है, लेकिन समय की बाध्यताएं हैं, इसलिए आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए TV1 India। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।